दोस्तों, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाली है, जिसमें कि मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही रेयर पेरेंट्स को मालूम होती है। और जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के साथ ही ये बच्चे की बॉडीज पर होते हैं, जिनको लेकर हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं और जगह जगह पर डॉक्टर से अपने बच्चे को चेकअप कराते फिरते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपने इस वीडियो में बच्चे के बॉडी पर जो जन्मजात मार्क होते हैं रेड कलर के, उनके बारे में। जहाँ पर्टिकुलर उनको एक नाम दिया जाता है, उनको पर्टिकुलर नाम से बुलाया जाता है कि वो है क्या है, क्या ये बच्चे के लिए डेंजरस हो सकते हैं, या फिर क्या प्रॉब्लम है, कैसे ये होते हैं, क्या हर बेबी के स्किन पर ये होते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ सैल्मन पैच या स्ट्रोक वाइट के बारे में। जी हाँ, जिसको हम एंजल किस भी कहते हैं, नॉर्मल तौर पर इनको सैल्मन पैच ही बोला जाता है, जो कि जन्म के साथ ही हमारे बेबी की बॉडी पर आते हैं, जिनको हम सैल्मन पैच या एंजल किस या फिर स्ट्रोक वाइट कहते हैं, इनके नाम से इनको जाना जाता है। मैं बता दूँ ये किस टाइप की होती हैं। ये लाल धब्बे होते हैं, इनकी शेप भी हो सकती है राउंड शेप में, किसी भी शेप में हो सकते हैं, त्रिशूल के आकार के, ट्रायंगल शेप में, एक बिंदी के रूप में। तो ये इस टाइप की शेप्स होती है जो बच्चे के बैक पर या बच्चे के पेट पर या फेस पर, हैंड पर, कहीं पर भी ये सैल्मन पैच हो सकती हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, क्या इनसे कोई प्रॉब्लम हमारे बेबी को हो सकती है और ये क्यों आते हैं। तो बात करें ये है क्या। देखिए, कुछ जो नवजात शिशु होते हैं अपनी त्वचा पर बर्थ मार्क के साथ पैदा होते हैं, जिन्हें उनके गुलाबी या लाल रंग के कारण सैल्मन पैच के रूप में भी जाना जाता है। पेरेंट्स अपने बच्चों की त्वचा पर इन पैच के बारे में बहुत ज़्यादा पजेसिव या वरिड हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत नॉर्मल हैं और समय के साथ ये बहुत ज़्यादा फेड हो जाते हैं। लेकिन आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक नॉर्मल जो सैल्मन पैच है वो क्या है। सैल्मन पैच एक शिशु की त्वचा पर फैली हुई रक्त वाहिकाएँ या फिर कोशिकाएँ होती हैं, इन्हें नेवस सिंप्लेक्स भी कहा जाता है, लेकिन सरल भाषा में इन्हें हम बर्थमार्क के रूप में जानते हैं। इन सपाट या लाल धब्बों की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, ये गहरे और गोरी त्वचा पर दाने दाने जैसे दिखाई देते हैं। जब चेहरे पर सैल्मन पैच दिखाई देता है, यदि बच्चे के फेस पर सैल्मन पैच है तो इसको एंजल किस कहा जाता है, और यदि गर्दन के पिछले हिस्से पर है तो इसे स्टॉक वाइट कहा जाता है। ठीक है, सैल्मन पैच कहाँ पाए जाते हैं, तो ये ऑल ओवर बॉडी पर, पलकों के ऊपर, भौहें के आसपास, नाक पर या गर्दन के पिछले हिस्से पर ये पाए जाते हैं, कहीं पर भी ये पाए जा सकते हैं। और इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर जो बच्चे हैं उनमें कितना परसेंट सैल्मन पैच पाया जाता है, तो सभी बच्चों के जन्म से पहले सैल्मन पैच होते हैं। हालांकि जन्म के बाद 70% शिशुओं में सैल्मन पैच हो सकते हैं, इनमें से अधिकतर पैच जन्म के 1 से 2 साल के भीतर एकदम गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ पैच उसके बाद भी आपके बेबी की स्किन पर बने रह जाते हैं। अब बात करते हैं क्या ये संक्रामक हैं। तो माय डियर पेरेंट्स, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते और ना ही संक्रामक होते हैं। ये पैच बच्चे की स्किन पर फैली हुई कोशिकाओं के कारण दिखाई देते हैं, ना कि किसी वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण के कारण। ये नॉर्मल है और जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है ये गायब होते चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, स्ट्रोक वाइट या फिर एंजल किस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, दोनों ही सिमिलर हैं, बस इतना सा डिफरेंस है कि ये अगर जो सैल्मन पैच हैं फेस पर होते हैं तो इसको एंजल किस का नाम दिया जाता है, और यदि आपकी ये गर्दन पर है या पीछे वाले हिस्से पर है तो इसको हम स्ट्रोक वाइट के नाम से जानती हैं। अब बात करते हैं कि ये पैच कितने समय तक चलते हैं, कब तक गायब हो जाते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जो एंजल किस हैं आम तौर पर लंबे समय तक नहीं चलते हैं। जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता है, बढ़ता है, तो ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आपके बेबी के फेस पर है या फिर आपके बच्चे की गर्दन पर है या कहीं पर बॉडी पर है, तो ये धीरे धीरे करके अपने आप ही रिमूव हो जाते हैं। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये हल्के अपने आप ही पड़ जाते हैं।
क्या हम सेलमन पैच को रोक सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, क्या हम सेलमन पैच को रोक सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके बच्चे की बॉडी पर है, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी अभी मेडिसिन्स नहीं है, या फिर कह सकते हैं कोई पुख्ता ऐसी दवाई नहीं है कि ये उससे हटाए जा सकते हैं। ये नेचुरल ही अपने आप बॉडी से ये रिमूव हो जाते हैं। तो सेलमन पैच को रोका नहीं जा सकता, ये बर्थ के समय बच्चे के होते हैं, और जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता है, जैसा कि मैंने बताया, तो ये हल्के हो जाते हैं, और जब बच्चा कंप्लीट ग्रोथ पे ले लेता है तो ये बिल्कुल ना के बराबर ही दिखाई देती हैं। सामान जो पैच है, इनका क्या कारण है, सेलमन पैच का क्या कारण है, ये क्यों होते हैं? तो देखिए, सिंपल है, माता पिता बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन को पूछते हैं क्या ये नॉर्मल है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपके भी ये है, जैसे कभी कभी ये जेनेटिकली भी बच्चों में आ जाते हैं, यदि आपके आपके पेरेंट्स में है या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी प्रकार का बर्थ मार्क है, तो वो जेनेटिकली भी चलता है, और वो पीढ़ी दर बच्चों में भी पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये नहीं भी पाया जाता। तो इस तरीके से इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब बात हम करते हैं कि अगर सेलमन पैच बहुत ज़्यादा आपके बच्चे के फेस पर है, बहुत एरिया कवर किया हुआ है, तो आपको डॉक्टर से कब कंसल्ट करना है। तो वही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि ये आपको फैलते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे की बॉडी पर ये फैल गए हैं, या बच्चे की सूजन बढ़ती जा रही है, या किसी भी प्रकार की ब्लड का रिसाव हो रहा है जो कि बिल्कुल अबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, जब बच्चे का जन्म हुआ था तब सिचुएशन अलग थी, लेकिन अब बच्चा ग्रोथ कर रहा है उसके साथ ये बढ़ रहा है, सूजन हो रही है, या फिर डार्कनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, वाहिकाएं बहुत बढ़ रही, ये रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं बच्चे की स्किन पर, तब ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से बात कर लेनी है। तो एक सर्जरी के थ्रू ये ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वरिड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा। तो डियर पेरेंट्स, इस तरीके से यहाँ पर सारे ही आपको मैंने बता दिया कि ये कैसे है। इसका एक छोटा सा मैं आपको सिंबल दिखाऊंगी, क्योंकि ये मेरे बेबी के भी था, और जब मेरी बेबी का जन्म हुआ था तब ये सिंबल मैंने उसके पेट पर देखा था कि हाँ बच्चे के है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसने ग्रोथ करी अपने आप ही वो हल्का हो गया। हमें बहुत ज़्यादा परेशान थे कि किस तरीके से इसको ठीक किया जाए, लेकिन बट ये ठीक हो गया, और इसकी कोई ट्रीटमेंट मैंने नहीं कराया। डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया था कि ये कुछ रेड सेल्स, ब्लड सेल्स होती हैं जो कि इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन समय रहते धीरे धीरे जब बच्चा ग्रोथ करता है तो ये अपने आप ही डिसअपीयर हो जाती है। तो वही चीज़ मेरी बेबी के साथ हुई। स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ में काफ़ी दिखाई देता था, लेकिन अब मेरी बेबी 4.5 ईयर की हो चुकी है, तो उसको अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, बहुत ही हल्का हल्का निशान वहाँ रह गया है, और जब बच्ची कंप्लीट ग्रोथ ले लेगी तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आपको भी परेशान नहीं होना है अगर ये बर्थ मार्क आपके बेबी के साथ है। बस आपको कब परेशान होना है, जब ये आपको बढ़ता नज़र आए, या किसी प्रकार की स्वेलिंग हो, या किसी प्रकार से बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो, तब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अदरवाइज इससे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो माय डियर पेरेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो एंजल किस या स्टॉक बाइट के बारे में, तो प्लीज़ इसको आप हिट करिए, लाइक कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो माय डियर मॉमीज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सजेशन अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।